मान लीजिए कोई आदमी अगर आपके सामने लंगड़ा रहा हो और आपको उससे पूछना हो कि तुम लंगड़ा क्यों रहे हो, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे वाई आर यू लिम्पिंग, वाई आर यू लिम्पिंग। लिम्प का मतलब होता है लंगड़ाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने जूते उतारना। शर्ट, जूते वगैरह कोई भी चीज़ अगर आप उतारते हैं तो आप टेक ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं। टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना। जैसे कि अगर आपको बोलना हो कि जूते उतार दो तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे टेक ऑफ योर शूज़, टेक ऑफ योर शूज़। और जूते पहनने के लिए हम पुट ऑन वर्ब का यूज़ करते हैं। अगर आपको किसी को बोलना हो कि जूते पहन लो तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे पुट ऑन योर शूज़, पुट ऑन योर शूज़। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे सामने, अगर आपको किसी को बोलना हो कि मेरी भूख मर गई है तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव लॉस्ट माई एपेटाइट, आई हैव लॉस्ट माई एपेटाइट। एपेटाइट का मतलब होता है भूख, और लॉस्ट माई एपेटाइट का मतलब हुआ कि आपने भूख खो दी है, यानी कि आपकी भूख मर गई है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने गाली गलौज करना। गाली गलौज करने के लिए हम जिस वर्ब का यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं अब्यूज़, अब्यूज़। जैसे कि अगर आपको बोलना हो कि यहाँ गाली मत दो तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे डोंट अब्यूज़ हियर, डोंट अब्यूज़ हियर, यानी कि यहाँ गाली मत दो। नेक्स्ट है नींद में बड़बड़ाना। नींद में बड़बड़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं टॉक जिब्रिश, टॉक जिब्रिश। जैसे कि अगर आपको बोलना हो कि तुम नींद में बड़बड़ाते हो तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे यू टॉक जिब्रिश इन स्लीप, यू टॉक जिब्रिश इन स्लीप, यानी कि तुम नींद में बड़बड़ाते हो। मेरी वीडियो से अगर आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक एंड शेयर कर दीजिए मेरी वीडियो को।